जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है नितेश कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एस सी में आज हम कंप्लीट फर्दर आगे करेंगे रीजनिंग का कोर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आर आर बी एन टी पी सी एस एस सी और आगे पूछे जाने वाले आई बी के एग्ज़ाम्स के लिए रीजनिंग के इस कोर्स में आज हम करने वाले हैं चैप्टर फोर का पार्ट टू जिसका नाम है अल्फाबेट्स यानी कि वर्णमाला यानी अल्फाबेट बेस्ड हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे अगर आप पूरा कोर्स देखना चाहते हैं तो उसके प्ले का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया जाएगा आप वहाँ से जा के देख सकते हैं और इस ही कोर्स का पहला वाला वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अल्फ़ाबेट्स यानी ए बी सी डी के पोजीशंस को कैसे याद रखें और किस अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट में कौन सा अल्फ़ाबेट्स आता है उसे कैसे याद रखें उसके लिए आप पहला वाला वीडियो जाके जरूर देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके ए बी सी डी से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप थ्री टाइप वन और सेकेंड हमने पहले पार्ट में करवाया था बहुत इंपॉर्टेंट था आप जाकर के देख सकते हैं स्टार्ट करने से पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि आप यहां देखिए ये अल्फाबेट्स लिख रहे हैं ए बी सी डी और डब्ल्यू एक्स वाई जेड तक टोटल छब्बीस होते हैं कई बार आपको ऐसे क्वेश्चंस में लेफ़्ट राइट दायाँ और बाया के सवाल जब पूछे जाते हैं तो आपको दिक्कत होती है तो याद रखिए ये वाली साइड कहलाती है लेफ़्ट ये वाली साइड कहलाती है राइट अगर आपको लेफ्ट से राइट जाना है तो आप इस तरफ जाएंगे और अगर राइट से लेफ़्ट जाना है तो आप इस तरफ आएंगे और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जनरली रीजनिंग में जब भी लेफ़्ट और राइट की बात आएगी तो आप पेपर को देखिए अपने क्वेश्चन पेपर को देखिए आपका फेस इस तरफ है तो आपके क्वेश्चन पेपर के फेस की तरफ से जो भी आपका लेफ्ट होगा वो लेफ्ट होगा और जो भी आपका राइट right होगा वो राइट right होगा यानी ये लेफ्ट साइड है और ये राइट right साइड है जब तक के सवाल में कोई कंडीशन ना दी गई हो कंडीशन का मतलब कोई दिशा ना बता दी गई हो सूर उत्तर पूर्व या टेबल को घुमा दिया गया इस तरीके से ना बोला गया हो यही आपका लेफ्ट और यही आपका राइट right होगा ठीक है अब बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि कम्युनिकेशंस शब्द में पहले और दूसरे तीसरे और चौथे पांचवें और छठे तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो अपने दाएं से गणना करने पर दसवां अक्षर कौन सा होगा यानी कि दाएं से गणना करने पर दसवां अक्षर कौन सा होगा ये आपसे पूछा जा रहा है ठीक है इसको याद रखिए दाएं से गणना करने पर दसवां अक्षर अब कम्युनिकेशन में क्या करना है आपको सबसे पहले है सी और फिर है ओ तो पहले और दूसरे तीसरे और चौथे पांचवे और छठे को आपस में बदलना है इसी प्रकार आगे यानी सी और ओ को आप लिखेंगे ओ और सी डबल एम में तीसरा वाला एम चौथे जगह पे और चौथा वाला एम तीसरे जगह पे फिर यू एन को आप लिख देंगे एन यू आई सी को लिख देंगे सी आई तो आप यहाँ पे देखिए कि मैंने नीचे लिख रखा है ऑलरेडी आपका इस तरीके का पूरा जो वर्ड है बन जाएगा ठीक है इसमें मैंने क्या किया है पहले को दूसरे से दूसरे को तीसरे से तीसरे को चौथे से माफ कीजिएगा पहले को दूसरे से तीसरे को चौथे से पांचवे को छठे से सातवें को आठवें से आपस में बदल दिया है तो हमारा ये नंबर बन गया अब बोल रहा है अपने दाएं से गणना करने पर दसवां अक्षर कौन सा होगा अब मुझे बताइए लेफ्ट साइड कौन सा है राइट साइड कौन सा है मैंने अभी बताया आपको ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है और राइट यानी दाएं से गणना करने पर दसवा अक्षर देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो दसवें नंबर पे कौन सा आया एन अगर मेरे मेरे से कोई गलती हो गई हो तो आप भी एक बार वीडियो पॉज करके काउंट कर सकते हैं ठीक है एन दसवें नंबर पे हमारा आया एन तो इसका मतलब इस सवाल का उत्तर होगा एन काफ़ी इजी था ठीक है तो आप इस इस अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको जरा दिखाता हूँ देखिए बिन अगर मैं यहीं पे सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे करेंगे नौवा नंबर देखिए कौन सा होगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ देखिए नौवे नंबर पे आपका आया एन यानी एन आपका आंसर था अगर यही प्रश्न मुझे करना होता तो मैं इतना ना इसको अपोजिट करता ना काउंट करता मैं सीधा यहीं काउंट करना स्टार्ट कर देता और नौवे नंबर पर देख लेता क्यों क्योंकि देखिए राइट right साइड तो यही रहेगा और लेफ्ट साइड तो यही रहेगा पहला दूसरे पे चला गया तीसरा चौथे पे पांचवा छठा सातवा आठवा नौवा दसवा यानी नौवा दसवें पे चला गया और दसवां नौवे पे आ गया और इसी साइड से हमें गिनना था तो बस इस, इस, इस साइड से आप नौवा गिन दीजिए तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ठीक है तो आप मेथड भी देखिए और शॉर्ट ट्रिक भी देखिए जो आपको सही लगे आप उस तरीके से इसको करिए अगला प्रश्न अगला प्रश्न बोलता है यदि डिस्ट्रीब्यूशन शब्द के दूसरे चौथे पांचवें सातवें और ग्यारहवें अक्षरों को मिलाकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा कौन सा शब्द तीसरा अक्षर कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा यदि ऐसा कोई भी शब्द बनाना संभव नहीं है तो उत्तर एक्स दीजिए यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनाना संभव हो तो उत्तर एम दीजिए ठीक है यानी कि जो यहाँ पे बोला गया है इनको लेकर के आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है अब अर्थपूर्ण तो दोस्तों कई हो सकते हैं मिलियंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं आपको उतना नहीं देखना ये इस मत सोचिए कि डिक्शनरी में तो बहुत सारे शब्द मिल ही जाएंगे हमें नहीं जो जनवन आपने पढ़ा है जनवन आपने अपनी लाइफ में देखा है ऐसे शब्दों की यहाँ बात होती है ठीक है क्वेश्चन में और अगर जो अगर मान लीजिए कोई भी शब्द नहीं बनता तो आप उत्तर कौन सा देंगे एक्स और अगर एक से ज़्यादा बनता है तो एम अब एम तो ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा आपको यानी कि एक से ज़्यादा तो बन ही नहीं सकता और जनरली भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक से ज़्यादा शब्द अर्थपूर्ण बन सके अगर एक भी नहीं बनेगा तो उत्तर आप एक्स देंगे नहीं तो आप बताएंगे कि तीसरा अक्षर कौन सा होगा चलिए हम पहले शब्द बनाते हैं हमें किस किस को लेना है यहाँ देखिए शुरू से क्वेश्चन को फिर से देखिए सबसे पहले हमें लेना है दूसरा और चौथा दूसरा कौन सा है आई चौथा कौन सा है टी पांचवा सातवा पांचवा है आपका आर सातवां डी आई एस टी आर आई बी और ग्यार सात था हमारा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह यानी ओ अब आप खुद सोचिए कि, कि क्या इन शब्द अक्षरों को लेकर के आप कोई शब्द बना सकते हैं तो देखिए कितना आसानी से हमें दिख रहा है कि एक ही शब्द बनेगा ओ आर बी आई टी हो सकता है कि एक से ज्यादा भी बन जाए पर न जनरली अगर आप अपनी लाइफ में उस शब्द को पढ़े होंगे तो आपको यही डायरेक्टली दिख जाएगा नहीं तो फिर आप नहीं दिखेगा ठीक है टर्बो कुछ नहीं बन रहा और भी ठीक बन रहा है तो आपसे पूछा था कि तीसरा अक्षर कौन सा होगा तो तीसरा अक्षर कौन सा है दोस्तों बी तीसरा अक्षर कौन सा हो गया अल्फ़ाबेट बी तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल्फाबेट बी ठीक है इस तरीके से क्वेश्चंस को करना होता है आप मेरे करने से पहले भी वीडियो को पॉज करके एक बार कर सकते थे या आगे क्वेश्चंस को कर सकते हैं और नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा मैं आपको बता दूंगा और हाँ मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दूंगा तो वहां पे भी आप मुझे बता सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन नंबर कौन सा है मैं आपको फिर क्या है कि डायरेक्टली सॉल्व करके बता दूंगा चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यदि शब्द सी एम पी ए आई जी एन कैंपेन के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान आप परिवर्तित रहेगा ठीक है यानी हमें कैसे बदलना है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार कहने का मतलब होता है कि सबसे पहले क्या आएगा इसमें देखिए ए ए बी सी डी में ए सबसे पहले आता है एक और ए ए के बाद बी नहीं है सी सी है यहां पे तो आएगा सी सी के बाद डी नहीं है ई e नहीं है एफ नहीं है जी है एच नहीं है आई है फिर आप देखेंगे एम है एन है पी है आप देखिए यहाँ पे मैं यहाँ भी मैंने आपको बदल के दिखाया है आप इसे ना देखने की बजाय आप डायरेक्टली यहाँ भी देख सकते हैं आपको समझ में आ जाएगा तो पूछा गया है कि कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा अपरिवर्तित रहेगा मतलब देखिए सी लिखा हुआ था यहाँ पे ए लिखा हुआ था एम लिखा हुआ था पी ए आई जी एन तो देखिए सबके स्थान बदल गए हैं सिवाय एक के अल्फाबेट ए भी दूसरे नंबर पे था यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे था यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे है बाकी सबके बदल गए हैं पोजीशंस तो हमारा आंसर होगा एक कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित रहे तो सिर्फ एक का ठीक है अगला डिस्टर्बेंस शब्द में यदि पहले अक्षर और अंतिम अक्षर को बदल दें दूसरे दसवें को बदल दें उसी प्रकार आगे भी बदला जाए तो टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा ये बहुत इजी है बट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं लेकिन चूंकि इजी है मैंने ऐसा आपको करवा दिया है तो ये आपका होमवर्क है आप इसको खुद से करिए और अगर आप चाहें तो वीडियो एंड के वीडियो एंड होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्वेश्चन दिए होंगे आप पॉज करके वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कर सकते हैं सॉल्व क्वेश्चन को देख करके और जो क्वेश्चन नंबर आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन नंबर आप मुझे डिस्क्रिप्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं उसे बता दूंगा ये गैदर भी देखिए जो चेंज नहीं होगा कितने स्थान आप परिवर्तित रहेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा मैंने करवाया था आपको बिल्कुल वही है चलिए अपने आप इसे करिए आप दोस्तों ये वो वीडियो का थंबनेल है जिसकी बात मैं कर रहा था बिल्कुल पहला वाला वीडियो कोर्स का जहाँ से आपको याद करवा दिया जाएगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से पोजिशन पर होता है और कौन से के अपोजिट कौन सा अल्फ़ाबेट आता है आप उसे एक बार ज़रूर देखिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा हमारा जो अगला वीडियो होगा इसमें बहुत इम्पो मैं इसी वीडियो में करवा देता लेकिन मैं अगले वीडियो में इसीलिए करवाऊंगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को उसमें बहुत दिक्कत होती है आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए आपने जरूर पढ़ा होगा शब्द एक्सकर्जन में कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको मैं अलग से सेपरेट वीडियो में करवाऊंगा एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन भी ठीक है तो एक बार आप ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा ये वाला ठीक है और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए एस एस अरीना को और बने रहिए हमारे साथ अगला वीडियो भी जल्दी आएगा ज़रूर देखिएगा मैं वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो